लास्ट टाइम जो चीज हमने स्टडी की थी वो एम्पिरिकल फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला हम काफी डिटेल में स्टडी करके आ चुके हैं कि ये किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं पूरा उसका स्टेप वाइज। हमने दो तरीके पढ़े थे, एक कंबशन एनालिसिस था और दूसरा सिंपल वाला तरीका था जिसके प्रोसीजर को परफॉर्म करने के बाद हम किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते थे। एक होता है एम्पिरिकल, अब दूसरा होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है जी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जो हमें एक्चुअल नंबर बताता है किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स का। एक्चुअल नंबर जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है, जबकि एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि वो सिंपलेस्ट रेशियो बताता है, सिंपलेस्ट रेशियो प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अगर मैं बेंजीन की बात करता हूं तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ये अब क्या है C6H6 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। हमें मालूम इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो ये है कि बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 और हाइड्रोजन के 6 एटम्स मौजूद हैं। ये एक्चुअल नंबर हमें पता लग रहा है, लेकिन अगर मैं बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखूं तो वो क्या होगा, वो होगा CH। इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि बेंजीन के मॉलिक्यूल के अंदर जितनी कार्बन है उतनी ही हाइड्रोजन है। हमें क्या पता चल रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो 1:1 है, मतलब जितने कार्बन उतने ही हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें सिंपलेस्ट रेशियो बताता है और एक्चुअल नंबर कितना है वो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है। इसी तरह अगर मैं ग्लूकोज की बात करता हूं, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होगा ग्लूकोज का वो हो जाएगा CH2O। ये हमें एक्चुअल अमाउंट बता रहा है कि ग्लूकोज का अगर मैं एक मॉलिक्यूल स्टडी करूं तो उसमें कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 एटम्स मौजूद होंगे। लेकिन जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो हमें बता रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या है। कार्बन जितना है हाइड्रोजन उसका डबल है और ऑक्सीजन उसका हाफ है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन बराबर हैं और हाइड्रोजन की रेशियो एटम वाइज उसमें डबल होगी। जितने कार्बन के एटम्स हैं उतने ही ऑक्सीजन के एटम होंगे और उनके डबल किसके होंगे, हाइड्रोजन के। तो ये एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का बेसिक डिफरेंस है। अब हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना सीख लिया हुआ है, अब हम उससे एक स्टेप और ऐड करेंगे तो एम्पिरिकल फॉर्मूले से हम किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेंगे। इसी एग्जांपल को हम देखते हैं, बेंजीन की मैं बात कर रहा हूं, अभी हमने एग्जाम्पल देखी है उसकी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H6, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH। तो इससे एक रिलेशन हमारे पास आ जाता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके बराबर होता है। अब अगर ये एम्पिरिकल फॉर्मूले को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा 6 × CH, तो ये क्या बन जाएगा, C के भी 6 और H के भी 6। तो हमें इससे मालूम क्या हुआ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला व्हेन मल्टीप्लाइड बाय एन इंटीजर n। ये हमारे पास एक जनरल रिलेशन आ गया कि अगर आप एम्पिरिकल फॉर्मूले को एक इंटीजर n से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि n हमें
कहाँ से पता चलेगा कि ये कितना है? हमने पीछे कंबशन एनालिसिस में और उससे पहले वाले टॉपिक में एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना सीखा हुआ है कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं। अब जब एम्पिरिकल फार्मूला निकल आएगा तो फिर उसके बाद हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए इस एन की जरूरत होगी। वो एन हमारे पास कहाँ से आएगा ये हम देखते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे हमारे पास एन आ जाएगा। ये एन का फॉर्मूला है, आप याद रखेंगे, एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अभी हम एक एग्जांपल भी करेंगे, उससे ये और भी क्लियर हो जाएगा। इसको आप समझने के लिए आप ये समझें कि फॉर एग्जांपल हमें वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कुछ अमाउंट दे दी जाती हैं। उसी तरीके से हम सारे स्टेप परफॉर्म करते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में सीखे थे। 100 ग्राम बेसिस लेके सबकी मोल्स निकाल के उनको कंपेयर करके उनकी रेशो निकाल के हम एक उस तक पहुंचते हैं जो कि हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड का आपने कंबशन एनालिसिस किया और उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O आ गया। ये आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन में आपसे उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मांगा हुआ है तो आपको N से इस CH2O को मल्टीप्लाई करना है। अब ये N कैसे निकलेगा? N का ये फॉर्मूला है। अब मॉलिक्यूलर मास जो होगा उस कंपाउंड का वो आपको गिवन होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो भी है ही नहीं, लेकिन उसका मास हमें गिवन होगा। सपोज करते हैं जी कि उसने हमें 180 कहा है कि मॉलिक्यूलर मास है और ये आपने निकाला है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब आपने क्या निकालना है? एन, ताकि जब उसे मल्टीप्लाई करूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल आए। अब मॉलिक्यूलर मास 180 ये मैंने पुट कर दिया। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ये कहां से आएगा? ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, इसका मास हम निकाल लेंगे CH2O CH2O। कार्बन का एक एटम है 12, ऑक्सीजन के दो हैं 2 × 1, वन ऑक्सीजन का सॉरी हाइड्रोजन का 1 होता है, दो हाइड्रोजन के एटम हैं तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कार्बन का एक था ये 12, ऑक्सीजन का एक है इसका 16 होता है, तो ये सब जमा होके 30 के इक्वल बन जाते हैं। 16 + 2 = 18, 18 + 12 = 30। तो ये 30 क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है। इसको मैं इधर पुट करता हूँ तो 30 को जब आप इससे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 6। तो n आपके पास क्या आया? 6। अब आप इस n को उठा के इस फॉर्मूले में पुट करें तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल आएगा। mf मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 6, 6 इज द n, और इसको मल्टीप्लाई कर देना CH2O से। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C6H12O6। ये आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। तो इस तरीके से आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी चीज का कैलकुलेट करना है। ये उसी तरीके से होगा, सारा काम अब पिछला ही करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूले तक। जब आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल आएगा तो उसके बाद आप को मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा, वो मास आप इस फॉर्मूले में पुट करें। एम्पिरिकल फॉर्मूला जो आपने निकाला होगा उससे आप एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालें, दोनों को डिवाइड करें, आपके पास एन निकलेगा। उस एन को आप उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर दें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। अब आपकी बुक में जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो इसी से रिलेटेड है, उसको हम सोल्व कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं डाटा लिख रहा हूँ। डाटा उसने हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ, उसने कंबशन एनालिसिस की है और वो कह रहा है कि कार्बन जो है वो 65.4 ग्राम्स निकली है। उसने से बेसिकली परसेंटेज बता रहा है, तो जब हम 100 लेते हैं, ये पुरानी बात है, वो ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब हम
डिटेल में उस तरह से नहीं जाएंगे, एग्जाम्पल दो तो हम पीछे अपने टॉपिक्स में कर रहे हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज 5.5 ग्राम्स एंड ऑक्सीजन जो एनालिसिस के नतीजे में हमें मिली है वो है 29.06 ग्राम्स। अब जब हम ग्राम्स में निकाल लेते थे फिर हम उनके ग्राम एटम्स निकालते थे, तो अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, ग्राम एटम्स। वो कैसे निकलते थे, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। वो हम ऐसे निकालते थे कि हम गिवन मास को डिवाइड कर देते थे उसके एटॉमिक मास से। इसका 12 होता है, इसका गिवन मास 5.50 है और ये 1.008 इसका मास होता है। ऑक्सीजन का हमें गिवन है 29.06 और ऑक्सीजन का मास एटॉमिक मास 16 होता है। तो ये आपने सबको जब डिवाइड करेंगे आपके पास ग्राम एटम्स आ जाएंगे। इसका ग्राम एटम आ गया 5.45, इसका भी आ गया 5.45 और इसका क्या आ गया 1.82। इनको हम कंपेयर कर रहे हैं CH और O। हमने जब ये हमारे पास ग्राम एटम्स आ गए, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि उसको सबसे छोटे से डिवाइड कर देते हैं। सबसे छोटा हमारे पास 1.82 है, हम इन सबको 1.82 से डिवाइड कर देंगे। तो आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 3:3:1। तो इससे हमारे पास इंटीग्रल फॉर्मूला क्या बन गया, C3H3O। ये हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया हुआ है किसका, जिसको बाउंड की कमर्शियल एनालिसिस उन्होंने की है। तो ये एक इंफॉर्मेशन आई। अब अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें तो उसमें उसने कहा है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू 110.5। ये आपको गिवन है। आपने पढ़ा हुआ है कि n आपको चाहिए ना एम्पिरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जाने के लिए, तो n आप कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर मास तो गिवन है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हम यहाँ पे भी निकाल लेते हैं। कार्बन होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 3 एटम है तो 3 प्लस, हाइड्रोजन होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 3 क्योंकि 3 एटम्स हैं प्लस, ऑक्सीजन होता है 16 तो 1 एटम है तो 16 ही रहेगा। इन सबको आप जब जमा करेंगे आंसर आएगा 55.05। ये आपका आंसर है किसका, एम्पिरिकल फॉर्मूले मास का। इसके अंदर पुट करें मॉलिक्यूलर मास 110.15, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 55.05, आंसर 2। ये आपके पास आ गया एन। अब आंसर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इजीली निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is equal to n multiplied by empirical formula, n आपके पास 2 है, empirical formula is C3H3O। जब ये 2 से multiply होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा C6H2O2। तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस तरीके से आपने निकाल लिया। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप, हमने दो फॉर्मूले ऐड किए, एक ये एन वाला फॉर्मूला था और दूसरा ये कि जब एन निकल आया तो एम्पिरिकल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ से आपने एन निकाला, 2 को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। तो ये टॉपिक अब हमारा कंप्लीट हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला उसको कैसे निकालते हैं वो पढ़ा हमने डिटेल में, और फिर उसके क्या तरीके होते हैं कि उसे हम
मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें। तो ये किसी भी कंपाउंड का जब एनालिसिस करते हैं तो ये सारे तरीके हैं जो हमें अब जितने भी कंपाउंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली हुई है। फॉर एग्जांपल कोई कहता है जी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, जो सिंपल वाटर की बात कर लेते हैं H2O है, बेंजीन C6H6 है, ग्लूकोज C6H12O6 है। इसी तरह बेशुमार हमारे पास कंपाउंड हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहां से आई है? ये सारी इंफॉर्मेशन इसी एनालिसिस के नतीजे में आई है कि जिस एनालिसिस को हमने स्टडी किया है कि आप सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं। वही बात है पुरानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। उसके बाद हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं? वो हमने दो मेथड्स पढ़े हैं। उसके बाद फिर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं एम्पिरिकल फार्मूले से, जो हमने आज के टॉपिक में स्टडी किया है, एन निकालते हैं और फिर उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। लिहाजा ये जितनी सारी इंफॉर्मेशन हमें आज तक केमिस्ट्री की बुक्स में मिलती है कि इसका फार्मूला ये है, इसका फार्मूला ये है, ये सारे फार्मूले इसी एनालिसिस के मेथड में से गुजरने के बाद हम तक पहुंचे हैं, जो भी हमने सीखा है। तो इससे हमें इम्पोर्टेंस पता लग रही है कि जो भी चीज हमने सीखी है वो केमिस्ट्री की बेसिस में से है और ये सारी चीजें जो है आगे इस्तेमाल होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था अबाउट फॉर्मूलाज। अब हम नए टॉपिक की तरफ जाएंगे जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।